किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे बागवानी फसलों और जो सजावटी पौधे हैं उनकी नर्सरी आप कैसे बना सकते हैं और इससे किस तरह से आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर कुछ कमा सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं कृषि विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर के प्रभारी वसीना साइंटिस्ट डॉक्टर LB सिंह। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक ये नर्सरी बनाने का सवाल है, चाहे वो बागवानी फसलों की हो या सजावटी पौधों की हो, तो इसकी क्या अहमियत है हमारे द्वीपों में, क्या इसका स्कोप है यहाँ पर? जी जी, इसका इस द्वीप समूह में बहुत सारा, एक नर्सरी पौधा बनाने के लिए बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि हम लोग जो है हर चीज़ जो है हम लोग मुख्य भूमि से डिपेंड करते हैं, प्लस उसको जो है बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे हैं। किसी किसान साथियों आप लोग के पास में कुछ जो है मुख्य भूमि से चारा लेके आता है, यहाँ में आपको गाड़ने का बाद में आपका मेहनत बेकार में जाता है, जो 5-6 साल का बाद में जो फल आने का है नहीं आता है। आप लोग ने बहुत सारा चीज़ आप लोग ने देखा हुआ, तो इसी से हम लोग इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो मर्डर प्लांट्स हैं, काफ़ी मर्डर प्लांट्स हमारा पास में ये द्वीप समूह में है, हर घर के पास में है अभी आजकल जो है, तो उसी से हम लोग ने उसको चारा बनाने के लिए तकनीक जो है ये कृषि विज्ञान केंद्र ने एक एडॉप्ट किया है। तो इसमें अगर कोई किसान इसको करे तो मार्केटिंग में भी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ जी जी, मार्केटिंग का अभी जो यहाँ पे जितना जो एरिया है इसमें फ्रूट प्लांटेशन और ऑर्नामेंटल प्लांटेशन के लिए बहुत क्रेज़ हो रहा है आजकल, जो इसमें डिमांड बहुत काफ़ी आ रहा है, मार्केटिंग के लिए काफ़ी इसमें समस्या नहीं होगा जी। तो क्योंकि कोई भी काम अगर किसान करें और उसको पहले से पता चले कि मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आगे आने में और उनको उत्साह उसमें ज़्यादा होगा। हाँ जी जी। तो सर, जहाँ तक बागवानी फसलों का सवाल है, फलों का सवाल है, तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनकी की नर्सरी यहाँ पर लगाई जा सकती है? आप लोगों ने उनकी तकनीक किसानों तक पहुँचाई? यहाँ में कुछ 2-3-4 जो हमारा जो फल का है, फल में हमारा जैसा में चिक्कू है, सेपोटा बोलते हैं, पेपे का है, मैंगो है और जैक फ्रूट है, कटहल पेड़ जो है, मैं काफ़ी सारा डिमांड है यहाँ पे। 2-3 साल का पहले से अभी इसका जो हमें जो फ्रूट प्लांट्स का डिमांड जो है डे बाई डे उसको राइज अप हो रहा है। फ्रूट प्लांट्स में खास करके जो सेपोटा का जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद में मैंगो आता है, उसके बाद में पाइनएप्पल आता है। जो इसमें सेपोटा का जो सवाल आता है, सेपोटा जो है इतने एक ग्राफ्टिंग का जो एक जोड़ने का काम जो है बहुत आराम से आता है, सेपोटा यहाँ पे आराम से कर सकता है। उसका एक रूट स्टॉक, एक साइवन का होता है, रूट स्टॉक जो है यहाँ में आराम से मिलता है, काफ़ी सारा जो है अंडमान का जंगल में पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है, उसका बीजा लेके आके आपको उसको काटने से कि आप एक महीना के अंदर में तैयारी हो जाता है। उसमें आप कहीं भी जगह में जाइए, चिकू का वेराइटी है उसको लेके आपको ग्राफ्टिंग करने का और ना भी मिलता है। अच्छा, जो रूट स्टॉक की आपने बात कही, ये जंगली सपोटा है? हाँ, जंगली सपोटा है, उसको हम लोग सी मवा भी बोलते हैं। अच्छा। तो सी मवा समुद्र किनारे में बहुत सारा जगह में होता है, और सी मवा का एक कैरेक्टर है यहाँ का, एक लोकल रेजिस्टेंस एक क्रॉप्स है, और प्लस उसका सेलाइन एरिया में भी उसको एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें सेपोटा का बात जो आता है, उसका ग्राफ्टिंग का टेक्नोलॉजी जो है एक बार जो है कृषि विज्ञान केंद्र नहीं तो आपका जो हमारा कैरी में आके आपको सीख सकते हैं, कोई भी हॉर्टिकल्चर बागवानी का साइंटिस्ट से आके आपको सीख सकते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र सिपीघाट है, नहीं तो नींबूदेरा में नींबूदेरा का KVK है, निकोबर का KVK है, उसी में भी जाके आप लोग को सीख सकते हैं। और आम का जो बात आता है, आम लोकल वेराइटी काफ़ी यहाँ पर हम लोग ने सिलेक्शन किया गया है, कैरी ने भी सिलेक्शन किया गया है, केवी के साथ तीनों केवी की ने भी सिलेक्शन किया है, जैसे चाहो नॉर्थ एंड मिडल अंडमान में बहुत अच्छा सा काफ़ी आम का पेड़ मिलता है, और आम का जो इसमें वेराइटीज़ मिल जाते हैं, उसी में सिंपली हम लोग जो है जंगली आम को हम लोग उसको चारा बना के गुठली बना के गुठली से हम चारा बना के उसी में हम लोग इसको ग्राफ्टिंग करने का जो काम जो है हम लोग आराम से हो सकते हैं। पाइनएप्पल का बात आता है, सभी का किसान साथियों आप लोग ने बोलता है बनारस बनारस जो बोलता है, बनारस और अनानास में क्या फ़र्क है बोलने से, अनानास में क्या हुआ कांटा कांटा हो जाता है, बहुत कांटा होता है, और इसका स्मॉल साइज़ होता है, बहुत छोटा साइज़ होता है। आपने बनारस बोलता है बहुत ही बड़ा फल होता है, उसका आंग बड़ा बड़ा होता है, और ये है, और इसका जो पट्टी में जो है उसका सेरेटेप नहीं रहेगा, कांटा कांटा नहीं रहेगा, ये है बनारस है। अच्छा। उसको हम लोग ने क्यू वेराइटी बोलते हैं इसे। तो इसके लिए जो बनारस का जो चारा है, तो जो किसान जब खेती करते हैं तो साइड से जो निकलता है उसी को रख सकते हैं? जी, अनानास का जो चारा है ये जून जुलाई महीना में बहुत अच्छा से मिलता है, उसको बहुत काफ़ी सारा मिलने के लिए किसान साथियों आप लोग का सामने मैं एक टेक्नोलॉजी में बताना चाहता हूँ। 3 तरह का चारा होता है, एक जो है फल के ऊपर में एक जो होता है पत्ता जो होता है, जो अनानास फल का जो ऊपर में होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में क्राउन बोलते हैं,
और इसके बाद में अनानास जो उठ जाते हैं, जमीन से उठ जाते हैं, उसमें डंडी में एक जो साइड साइड में निकलते हैं उसको स्लिप्स बोलते हैं। तो इसके बाद में जो है जमीन से जो निकलता है उसको हम लोग इसे सकर्स बोलते हैं। तीन तरह का चारा होता है। इसमें सबसे बेस्ट है आपको अनानास का डंडी से जो निकलता है स्लिप्स जो है वो सबसे बेस्ट है। ये गाड़ने से 12 महीना में बराबर आपको फल आएगा, और सकर्स भी आप 12 और 13 महीना में आएंगे। और फल का जो ऊपर में जो होता है जो उसको क्राउन बोलता है, ये गाड़ने से कम उसको 2 साल के बाद में आ जाता है। इसी से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सिर्फ हम लोग इसको अनानास का जब फल आता है उसी समय में जून जुलाई में हमेशा फल आता है। इसी में सिर्फ हमारा पास में जो कंपोस्ट है, भर्मी कंपोस्ट है, उसको भारी मात्रा में उसी टाइम में फल आता है। उसी टाइम में भर्मी कंपोस्ट जो है जपोज एक स्क्वायर मीटर में 5 पेड़ आता है, उसी में भर्मी कंपोस्ट कम से कम 2 kg आप फेंक दीजिए उसको ऊपर में, ज़बरदस्त वो साइड का सकर्स आ जाते हैं। स्लिप भी आ जाएंगे, सकर्स भी आ जाएंगे, क्राउन में ध्यान मत दीजिए। हम किसान साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, दिगलीपुर ऐसा जगह है, ये अनानास के लिए एक जो हमारा दिगलीपुर के लिए एक जोन हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। दिगलीपुर अच्छा ऐसा जगह है और इसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है। इस जगह में 12 महीना फलाने के लिए अनानास को 12 महीना फला हम लोग जो है 12 महीना फलाने के लिए टेक्नोलॉजी जो है हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग को थोड़ा से कृषि विज्ञान केंद्र से आप लोग को संपर्क करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इसके अलावा आपने पपीता का भी जिक्र किया था, तो पपीता में भी क्या है जो वनस्पतिक संवर्धन होता है? हाँ जी जी जी, आजकल जो हम लोग ने इस कृषि विज्ञान केंद्र पोर्टबेयर ने सबसे पहले जो है हम लोग इसमें यहाँ पर हम लोग एयर लाइडिंग टेक्नोलॉजी एक एडॉप्ट किया है। एयर लेडिंग का मतलब क्यों है, यहाँ का जो पपीता पेड़ जो है बहुत लंबा लंबा हो जाता है, 5-6 meters के ऊपर हो जाता है, बहुत अच्छा फल होता है, 12 महीना भी फलता है। तो उसको बहुत भारी ऊंचा का वजह से चिड़िया खाता है, उसमें फल को चिड़िया खा के उसको नाश मारते हैं, और जो किसान साथी हो उसको भी तोड़ भी नहीं जाते, पकने का टाइम ही उसको बहुत लंबा हाइट है, तोड़ने से जमीन में गिरने से फट जाता है। ये इस द्वीप समूह जो है एक साइक्लोन एरिया है, हवा हमेशा हवा तूफान हो जाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे को बड़ा होने के बाद फल लाने के बाद में गिर जाते हैं। उसी दोनों को हम लोग ध्यान में रख के हमारा कृषि विज्ञान केंद्र ने एक टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया है, इसको एयर लेडिंग बोलते हैं। एयर लेडिंग करने का विधि जो है बहुत सिंपल है, जो शाखा है उसी में करना है। इसका साइज से कोई वेरिएशन नहीं है, कुछ छोटा होने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, कुछ भी साइज होने दीजिए, उसमें हम लोग एयर लेडिंग मतलब जो है गुटी बनाने का टेक्नोलॉजी जो है हम लोग अभी एडॉप्ट किया है। इसमें बहुत सक्सेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है 3 कारण जो है आपको समस्या नहीं रहेगा। एक कारण है पपीता पेड़ को बहुत नाटा बना रहे हैं, और इसके अलावा जो है उसको 100% जो है फीमेल हो रहा है, तो 100% आपको फल आ जाएंगे। और इसके बाद में जो है उसका फल जो है बहुत जल्दी सेटिंग हो रहा है। तीन फायदा है, एक है ड्वार्फिंग हो रहा है, सेटिंग अर्ली है, और इसके बाद में 100% फीमेल हो रहा है। ये एयर लेडिंग का टेक्नोलॉजी जो है कृषि विज्ञान केंद्र ने एडॉप्ट किया है। ये टेक्नोलॉजी जो है आप लोग भी सीख सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग बता देंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पपीते में एक तो पेड़ बड़ा हो जाता है, कभी फल भी नहीं लगता है, और ऊंचा पेड़ की भी समस्या है जो आपने बताया। डॉक्टर साहब ये तो रही फलों की बात, इसके बाद अगर सजावटी पौधों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से फूल इम्पोर्टेंट है? हाँ जी जी, यहाँ में सीजन ड्राई सीजन और वेट सीजन है, दोनों सीजन है यहाँ में, खरीफ रबी जो बोलता है हम लोग। तो इसमें ड्राई सीजन में कौन सा फूल वगैरह पेड़ पौधा होना चाहिए और वेट सीजन में कौन सा होना चाहिए? ड्राई सीजन के पीरियड में लूज फ्लावर माने गेंदा फूल और ग्लेडुलस और जो ट्यूबरोज, ये जो है बहुत अच्छा होता है, लूज उसको हम लोग ने लूज फ्लावर बोलते हैं। और वेट सीजन का टाइम में पेरिनियल टाइप का जो फल जो है इसमें अभी जो है आजकल एक गुलाब जो आ जाता है और क्राइसेंथेमम आ जाता है, ये जो है हम लोग ने इस तरीके से हम लोग 2 तरह कैटेगरी जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स यहाँ में हो सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए बहुत काफ़ी डिमांड यहाँ में इस द्वीप समूह में हो रहा है। तो हम लोग ने ऑर्किड्स जो है यहाँ ऑर्किड्स है, बेंडा होता है, डेंड्रोबियम होता है, यहाँ में बेंडा काफ़ी मात्रा में मिलता है, डेंड्रोबियम काफ़ी मात्रा में मिलता है। तो उसका जो स्पाइक है, फूल है, बहुत ज़्यादा दिन तक लॉन्गेविटी होता है, इसलिए कट फ्लावर के लिए बहुत सूटेबल है यहाँ में, जहाँ में जंगल में पाया जाता है। तो इसके बाद में जंगल से हम लोग ने 1-2 चारा को निकाल के आके आपका गमला में और आपका आजू बाजू का पेड़ में उसको प्रोपेगेट करने से बहुत अच्छा रहता है, उसका कीमत भी बहुत है। और कट फ्लावर्स के लिए अंडमान में सबसे बेस्ट बोलने से ऑर्किड्स हैं, भेंडा और डेंड्रोबियम है, तो इसमें हमारा जंगल का जो पेड़ में है उसमें पाया जाता है। डॉक्टर साहब ये जो
नर्सरी बनाने की तकनीक है, इस बारे में आप लोग समय समय प्रशिक्षण देते हैं। अभी अनलॉक पीरियड के दौरान भी आप लोगों ने किसानों को प्रशिक्षण दिया है, तो किसान इसका लाभ उठा रहे हैं, अपने नर्सरी लगा रहे हैं। हाँ जी जी, रिसेंटली हम लोग ने एक प्रोग्राम किया था अनलॉक वन में, हम लोग ने प्लांट प्रोपिगेशन के बारे में बताया था। हमारे निदेशक डॉक्टर बी एस जेरल ने भी हमारा एक टारगेट रखा था, इसमें से जो ट्रेनिंग है उसी से एक को टारगेट करना है। तो हमने अभी सोलडारी में हमारा बदमाश पहाड़ एरिया में हम लोग ने एक नर्सरी सेटअप कर दिया है, कुछ इंटरेस्टेड पर्सन है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा पास में एक नर्सरी बनाने के लिए समता हम लोग रखता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, उसका साइट सिलेक्शन होना है, साइट सिलेक्शन में सही तरीका से उसको धूप बराबर मिलना है और इसके आजू बाजू में उसका जो पानी मिलना है, उसका जो अप्रोच रोड है उसको अच्छा होना है, क्योंकि आदमी लोग आपके पास में आएंगे, खरीदेंगे, देखने के लिए आएंगे, कोई संडे है, छुट्टी के टाइम है, फैमिली आएंगे, देखेंगे, आपसे ले लेंगे, वो ऐसा एक साइट सिलेक्शन आपको करना है। पानी का सुविधा रहना है यहाँ पे, हमेशा पानी चाहिए, और प्लस जो है यहाँ पे हमेशा धूप मिलना है। और प्लस किसान साथियों, यहाँ में आपका एक कुछ पेड़ आपने अच्छा जो पेड़ उठ जाता है यहाँ पे, उसको मॉडल प्लांट का रूप में उसको रखना है, तो उसको मॉडल प्लांट के लिए आपको स्पेसिंग का जगह का बहुत ज़रूरत नहीं, नज़दीक नज़दीक भी आप गाड़ सकते हैं, क्योंकि नज़दीक नज़दीक गाड़ने के बाद में आपको तो हर महीना और हर हफ्ता जो है काटना ही है, उसको बड़ा एकदम लंबा होना और बड़ा होना साइट में होना उसको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने हेज रोज सिस्टम, एक सिस्टम है हेज रोज सिस्टम में हम इसको एडोप्ट कर सकते हैं, उसी से हमारा हमेशा उसी से कटिंग ले लेंगे, सायोन का जो बोल सायोन का है जो कटेट रूटेड कटेट है उसी से भी सब हम लोग बना सकता है। किसान साथियों, आप लोग को अपना जगह में अपना जो फेंसिंग है, फेंसिंग जगह में उसको आराम से मर्डर ट्री को, चाहो फल का हो, चाहो फूल का हो, चाहो जो इसको कुछ भी हो, आप उसको अपना बॉर्डर में जो फेंसिंग एरिया में मॉडल ट्री को हेज रूप में, हेज रूप माने एकदम नज़दीक नज़दीक, एकदम नज़दीक नज़दीक जो है उसको रख के आप उसको मॉडल प्लांट रखिए, देन हमेशा के लिए पेरेनियल, हमेशा के लिए आपको नर्सरी सक्सेस एक होने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं, आपने शुरू में बताया कि नर्सरी अगर बनाएंगे तो पौधों का यहाँ पर डिमांड है, मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि अगर कोई नर्सरी बनाना चाहता है, आप लोगों से उन्होंने प्रशिक्षण भी ले लिया है, जगह भी है, कुछ जो पैसे हैं उसमें लगते हैं, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है? इसके लिए हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत जो है अभी अच्छा से एक निकाला, और इसमें से MSME का भी होता है, MSME का जो इसमें है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसी में से अच्छा पैसा मिलता है। तो अभी खास करके आत्मा जो है एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है उसी में भी हम लोग इसको बहुत छोटा छोटा अमाउंट में, जैसा अभी 10 से लेके 15,000 20,000 और जो है उसके 50,000 तक जो है उसको हम लोग उठा सकते हैं। जो नर्सरी बनाने के लिए थोड़ा से स्मॉल अमाउंट से आपको स्टार्ट करना है, इसके बाद में जो धीरे धीरे से उसका इनकम राइज करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे इस द्वीप समूह में टोटल मिला के, जैसा आर्य ये सुशान रोज सोर के यहाँ में प्राइवेट नर्सरी कृषि विज्ञान केंद्र का साथ में साथ मिल के हम लोगों ने नर्सरी प्राइवेट नर्सरी स्टार्ट किया है। 3 नर्सरी जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया है, एक है आपका सिपीघाट चौक में है, एक हमारा कला पठर में है, एक है सोलडारी में है। ये साउथ अंडमान के अंदर में 3 नर्सरी जो है अपना आप से शुरू किया है, कोई गवर्नमेंट से लोन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है। उसका इनकम जो है एक महीना का कम से कम इनकम जो है 50,000 से वो लोग कमाए आ रहे हैं। तो सब जो है उसका एक मॉडल दिखाने का लायक है, उसको एक दिन आके आप लोग किसान साथियों, आप लोग भी आपसे आके बात कर सकते हैं, वो लोग से भी शेयर कर सकते हैं। एक नर्सरी ऐसा चीज़ है, आजकल जो है एक फैशन हो गया है, तो हर घर में आपका ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलने के लिए, आपका जो लिविंग रूम फ्रेश होने के लिए, तो हर घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स और हर घर में हमारा जो इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपने नर्सरी कैसे बनाए, खासतौर पर फलों और सजावटी पौधों की, और इसके लिए क्या क्या तकनीक है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या कुछ कर रहा है और इससे किस तरह फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।